जिंदा मांगूर है बिल्कुल एकदम ताजी फ्रेश, किधर भी उछल रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का मौसम बहुत शानदार हो रखा है, दो दिन से बारिश थी, बारिश के बाद आज मौसम बिल्कुल खुला हुआ है और आसमान में बादल भी हैं और हल्की हल्की सी ठंडक भी आ गया है मौसम में, तो मौसम बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखिए यहाँ का मौसम कुछ इस प्रकार है। ये देखिए पूरा जो है बादल जो है लगा हुआ है, लेकिन आज बारिश नहीं हुई, आज मौसम खुला हुआ है, बदली था पूरा दिन। और इधर देखिए, इधर जो है उत्तर साइड होता है हम लोगों के वहाँ से, और यहाँ से फिलहाल नेपाल जो है करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है। फिलहाल पहाड़ी जो है हल्की हल्की दिख रही है, उधर भरा पड़ा हुआ लग रहा है, तो धुंध है तो कैमरे में तो नहीं आ रहा है, लेकिन आँखों से वहाँ पर थोड़ी सी पहाड़ी जो है दिख रही है। तो देखिए यहाँ का मौसम, शाम का समय है, करीब 6 बज रहे हैं। तो आज शाम को बाज़ार गए थे, तो बाज़ार में हमें देसी मांगुर मछली मिल गई है, मिलती नहीं है, बहुत ही रेयर मिलती है। तो यहाँ की देसी मांगुर मछली मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मांगुर मछली है बिल्कुल देसी वाली। इसका डंक भी बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ मारती हैं, और जब ये मार देती हैं इनके डंक से तो बुखार भी आता है, तो बहुत ख़तरनाक टाइप की मछली होती हैं। ये देखिए ये सारी जिंदा हैं अभी, तो आज यही लाए हुए हैं, तो अभी दिखाते हैं किसको हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए मांगुर मछली बिल्कुल जिंदा, ये देखिए ये है जिंदा मांगुर मछली, ये देखिए कूद भी रही है, देखिए जिंदा बिल्कुल, ये देखिए। और इनका ये डंक होता है ये वाला, ये जो छुपा रखी है, ये देखिए वाइट वाइट दिख रहा है जो, ये वाला ये डंक है इसका, ये वाला, इससे अगर वो मार देगी तो बुखार आ जाएगा, अब बहुत दर्द करता है, बहुत ख़तरनाक टाइप का डंक होता है इनका। तो आज हम लोग ये देखेंगे, देखिए इधर आई हुई है, ये भी जिंदा है, ये देखिए तेज आवाज़ भी कर रहा है, कट कट बहुत तेज़ी से मारता है, सारी जिंदा हमें खिला। ये देखिए बिल्कुल जिंदा जो है, सारा जो है उछल भी रही है, ये देखिए ये मांगुर मछली है, देसी मांगुर बोलते हैं इसको, वो फार्म वाली नहीं, ये बिल्कुल मांगुर है और बारिश के टाइम में ही मिलती है, बहुत महंगी भी मिलती है, हमारे वहाँ 600-700 रुपये किलो इसका रेट है इस समय, आपके वहाँ जो रेट होगा बताइए कमेंट में। तो पहले इसको जो है अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, साफ़ करके फिर जो है इसकी बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो पहले इसकी हम अच्छे से सफाई कर लेंगे, बढ़िया से इसका काटा वगैरह तोड़ लेंगे, और अंदर का जो स्टेज है वह सब निकाल के इसको अच्छे से धुल के साफ़ कर लेते हैं पहले। तो पहले इसका जो है डंक है इसको काट के साफ कर लेंगे, देखिए क्योंकि बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत तेज इससे मारती हैं सब, तो बुखार आ जाता है। तो पहले जो है इसका डंक जो है एक एक करके साफ कर लेते हैं, ये देखिए डंक नहीं रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये जो दिख रहा है ये बहुत ख़तरनाक है, तो इसकी पहले सफाई कर। तो मछली धुल के रेडी हो गया है, अब इसमें मसाले वगैरह डालते हैं, इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, ये देखिए हल्दी और साथ में नमक, अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से।
तो इधर अपना तेल भी गर्म हो रहा है और साथ में इधर मसाले वसाले लगा के मछली जो है धुल के रेडी है। अब तेल गर्म हो जाएगा, इसमें इसको फ्राई किया जाएगा। तेल जो है गर्म हो गया अच्छे से, अब इसमें जो है मछली डालते हैं। तो ये देसी मांगुर मछली जो है फ्राई हो रही है, देखिए शानदार तरीके से इसको जो है हम बिल्कुल कुरकुरा जो है फ्राई करेंगे। ये देखिए मंगूरी मछली जो है अच्छे से एकदम फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं, तो ये चिपका हुआ जब निकल जाएगा तो छोड़ देगा। तो ये देखिए तो शानदार जो है हमारी मांगूर मछली जो है देसी वाली फ्राई हो गई है। अब ऐसे ही बची हुई मछली जो है फ्राई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अपनी जो मछली जो है फ्राई हो रही है, बढ़िया जो है मांगुर मछली है, मिलती नहीं है फिलहाल, ये बारिश के मौसम में ही थोड़ी बहुत मिल जाती है, क्योंकि ये देसी वाली मांगुर है, एकदम छोटी छोटी होती है और इसके अंदर डंक बहुत तेज होते हैं, तो अगर किसी को मार दे तो बुखार भी आ जाता है। तो फिलहाल जो है हमने साफ़ करवा के इसको जो है फ्राई कर रहे हैं, तो एकदम बढ़िया जो है देसी तरीके से देसी मांगुर मछली जो है बनाई जा रही है। ये देखिए फ्राई हो रहा है, इसका स्वाद ही वो ज़बरदस्त होता है, क्योंकि बिल्कुल देसी होता है, मिट्टी में रहने वाली मछली है, तो स्वाद भी बहुत लाजवाब होता है। फिलहाल अगर आपने इसको नहीं खाया है तो एक बार ज़रूर खा के देखें, ज़बरदस्त स्वाद के साथ होता है। मेथी लाल हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा ये सरसों और लहसुन की भी दो चार कलियां जो है इसमें डाली। तो इसकी फौरन जो है अपना लाल हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा प्याज इसको भी लाल करेंगे भून के बढ़िया। ये देखिए प्याज जो है बढ़िया से लाल फ्राई हो गया है, इसमें ये जो मसाला है इसको डाल देंगे, सरसों वाला मसाला है, सरसों लहसुन मिर्च और धनिया और थोड़ा सा जीरा है, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जीरा मिट्टी का टेस्ट कर। तो इसको जो है अच्छे से भुना जाएगा। भाई साहब कटोरियों में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, पानी डाल दिए हैं, साफ ऑफ करके सब इसमें डाल देते हैं, सब इसका धोना है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये मसाला जो है भिजा रहा है, वो भारत तरफ बोलते हैं भिजा रहा है, ऐसे चला चला के कुछ भूजेंगे, तो कब तक भूजेगा जब तक सीधा ना हो जाएगा, सीधा सा काम कर जिम्मेदारी नहीं है। देखिए मसाला जो हमारा
भुजा गया है, लाल दिखने लगा, तब इसमें जो है आगे का टमाटर डालेंगे। ये टमाटर है, नमक, टमाटर का जो है नमक डालना बहुत ज़रूरी है ताकि टमाटर जो है गल जाए। तो मसाला वसाला जो है भुजा गया है, टमाटर वमाटर सरसों मसाला जो है इसको भुजा गया है, लेकिन इसको गर्म मसाला बोला जाता है, तो यो इसी में डालो तो भूजेंगे। तो गर्म मसाला मिला लिया, अब इसके साथ जो है फिलहाल जो है गर्म मसाला, ठंडा मसाला, गर्म मसाला होता है लहसुन प्याज सब भूजा भुना गया है, तो इसमें पानी डालेंगे पानी डालते हैं। खुशबू जो है वो जो जलता रहा है, देखिए शानदार जो ग्रेवी जो बन के तैयार हो गया है। तो अपनी हाफ केजी जो है मांगुर मछली थी, देखिए एकदम बढ़िया जो है कुरकुरी जो है फ्राई हो गया है, देखिए कितना शानदार दिखने में लग रहा है, एकदम अलग अलग और एकदम शानदार तरीके से फ्राई हुआ है। तो ग्रेवी में जो है बढ़िया उबाल आ गया है, अब तो इसमें जो है ये फ्राई की हुई मछली डाला जाएगा। तो देखिए इसको है पूरा, इसको जो है 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे उबलने के लिए। फिर हमारा जो है देसी मांगुर मछली का जो है ग्रेवी तैयार हो गया, इसको ढक दिए हैं 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए अपना जो है देसी मांगुर मछली जो है बनके जो है एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। ग्रेवी देखिए कितना शानदार दिखने में लग रहा है, रोगन भी ऊपर आ गया है, ये देखिए शानदार जो है देसी जो है मांगुर मछली है बनके तैयार हो गया एकदम बिल्कुल देसी स्टाइल में। देखिए तो ऐसे ही आप घर पे जो है देसी मांगुर मछली बनाइए, इसका स्वाद जो है वो जबरदस्त होता है और काटा जो होता है सिंगल होता है, तो सिंगल काटे वाली मछली है तो बहुत ही शानदार स्वाद के साथ होती है। ठंडे मसाले में बनाइए इसको सरसों वाला बिल्कुल देसी स्टाइल में बहुत ही। तो दोस्तों अपनी जो है देसी मांगुर मछली जो है बन के तैयार हो गई है, तो बहुत ही आसान तरीके से ऐसे ही आप घर पे देसी मांगुर मछली बना सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं, और सिंगल काटे की मछली होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में इसको लाइक भी करिए। धन्यवाद।